कौसर पांडुर्णा मार्ग पर एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में 13 यात्रियों के घायल होने की खबर है। इनमें से 3 को गंभीर चोट आई है, जिन्हें उपचार के लिए नागपुर रेफर किया गया है। तेज रफ्तार बस मोहगांव के समीप सड़क से उतरते हुए नीचे गड्ढे में जा घुसी तथा पेड़ से टकरा गई थी। घटनास्थल से मोहगांव थाना नजदीक होने से तत्काल मोहगांव पुलिस टीम तथा 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए सौसर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया था। मोहगांव थाने में पदस्थ SI हल्के सिंह अहिरवार ने बताया कि सुबह लगभग 9 बजे सौसर से पांडुर्णा मार्ग पर नीलकमल बस यात्री लेकर सौसर की ओर आ रही थी। मोहगांव के आगे अचानक स्टीयरिंग फेल होने से बस सड़क से नीचे उतर गई और पेड़ से टकराते हुए पलट गई। इससे बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। 3 यात्रियों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें उपचार के लिए नागपुर रेफर किया गया है।